सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। यदि आप अतिथि शिक्षक में काम करते हैं या करते थे और आप जानना चाहते हैं कि आपने कितने दिन काम किया है, तो इसके लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने अतिथि शिक्षक में कितने दिन काम किया है। ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एड्रेस बार दिया गया है। आप यहाँ पर गूगल पर या यहाँ पर टाइप कीजिए गेस्ट फैकल्टी पे बिल। यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी पे बिल एजुकेशन पोर्टल। आप यहाँ पर ये लिखने के बाद एंटर कर दीजिए और जैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये ओपन हो जाता है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी पेमेंट बिल एजुकेशन पोर्टल। यहाँ पर आप जो है क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा एक नया पेज। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के ड्राफ्ट बिलों का संक्षिप्त विवरण। ये एजुकेशन पोर्टल पर है। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ क्लिक करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होता हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर भोपाल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट पेमेंट ऑथराइज दिया गया है। यहाँ पर आप जो है क्लिक कीजिए। जहाँ से आपकी सैलरी बनती थी, जिस संकुल से, मान लीजिए आप मिडिल में काम करते हैं या हायर सेकेंडरी में काम करते हैं या प्राइमरी में, जहाँ भी आप काम करते हैं और आपकी सैलरी जहाँ से भी बनती हो, जिस संकुल से बनती हो, जैसे मान लीजिए आनंद नगर भोपाल प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपकी सैलरी जहाँ पर भी बनती हो आप वो सिलेक्ट कर लें, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होता हो आप वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कि सिलेक्ट मंथ एंड ईयर, आप किस मंथ की जो है अपने सैलरी या डे देखना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जो है जिस महीने की देखना चाहें उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर अगस्त ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये सन दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 2016 कर देता हूँ। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है अतिथि संकायों के विधेयक संख्या का विवरण दिखें, तो यहाँ पर जो है आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जब एक नया पेज ओपन होता है तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ ऊपर से यहाँ तक ये सीरियल नंबर है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद ये पेमेंट
ऑथराइज्ड, ये जो आपकी सैलरी जहाँ से बनती है या आपका संकुल जो है उसको बताया गया है। ये स्कूल का नाम है, आप जिस स्कूल में काम करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये गेस्ट आईडी है, ये जो आपकी एक एम्प्लॉय आईडी बनाई जाती है, गेस्ट टीचर की जो आईडी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आईडी होगी और यहाँ गेस्ट टीचर यहाँ पर नाम दिया जाता है। आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं और उसके सामने ही आपकी जो है ये गेस्ट आईडी दी जाएगी। उसके बाद डे और पीरियड, देखिए यदि आप हाई स्कूल में काम करते हैं तो पीरियड के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और मिडिल में काम करते हैं या प्राइमरी में काम करते हैं तो वो जो है डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये 69 पीरियड बता रहा है, ये 23 डे बता रहे हैं। जितने भी दिन आपने काम किया होगा या जो पीरियड के हिसाब से आपको पैसे मिलते होंगे वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये जो है अगस्त महीने का है 2016 का, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी डे बताया जा रहा है। ये स्कूल का जो है टाइप दिया क्या है, यदि आप जो है हाई स्कूल में काम करते हैं तो वो पीरियड के हिसाब से है, 69 पीरियड जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, और मिडिल और प्राइमरी में यदि आप काम करते हैं तो वो डे के हिसाब से यहाँ आपको पैसे मिलते हैं। बिल नंबर दिया गया है यहाँ पर, ये जो है ईयर आपको शन बताया गया है किस सन का है, यहाँ पर सन शो हो रहा है और यहाँ पर मंथ शो हो रहा है, ये अगस्त का हम देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है। अगर आपने एक एग्जांपल के तौर पे यदि 69 पीरियड आपने काम किया है हाई स्कूल में तो ये जो आपका पेमेंट बनता है वो 3450 होता है, और यदि आपने मान लीजिए मिडिल स्कूल में काम किया है तो ये 23 दिन है और 23 दिन का जो आपका पेमेंट होता है वो 3450 होता है। तो इस तरीके से आप जो है ये प्राइमरी का है 25 डे यहाँ पर जो है वो प्राइमरी का ये शो हो रहा है, और ये मंथ है, ये सन है, और ये 2500 रुपये। 25 दिन यदि आपने काम किया है तो पर डे 100 रुपये के हिसाब से आपको प्राइमरी में दिया जाता है और यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो आप जो है यहाँ से ये आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, ये डे और पीरियड दिया गया है, इन पीरियड के हिसाब से और डे के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था अगस्त, उसके बाद आप चाहें तो जनवरी फरवरी मार्च जो भी महीने का आप देखना चाहें उस मंथ को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से जो है आप सन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर क्लिक करके आप वो डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका पेमेंट जहाँ से होता होगा या आपका संकुल जो भी लगता होगा यहाँ से आप उसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ अतिथि संख्याओं के विधेयक संख्या पर विवरण देखने का ऑप्शन जो है दिया गया है यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको डिटेल दिखा देगा। अब मान लीजिए आप ग्वालियर का देखना चाहते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पर ये ग्वालियर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने ग्वालियर सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो है आप क्लिक करके जो भी आपका जहाँ से आपको पेमेंट मिलती हो या आपका जो संकुल लगता हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने मुरार ग्वालियर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर मान लीजिए आप जो है सितंबर का देखना चाहते हैं तो यहाँ से सितंबर सिलेक्ट कर लें, और सन आप जो भी जिस सन का देखना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं
मान लीजिए 2014 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर आ जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ पर पेमेंट जहाँ से आपकी बनती है, जो आपका संकुल होता है वो यहाँ दिखाया जाता है, ये स्कूल दिया जाता है जिस स्कूल में आप काम करते थे उस स्कूल का यहाँ पर नाम होता है, और ये गेस्ट टीचर की आईडी होती है और यहाँ गेस्ट टीचर का नाम दिया जाएगा। उसके बाद ये डे या पीरियड यहाँ पर शो होंगे, आप इस इनसे अपने दिन को देख सकते हैं या अपने पीरियड को देख सकते हैं। ये स्कूल का टाइप दिया गया है, क्या प्राइमरी स्कूल में है या हाई स्कूल में है या मिडिल में है। ये बिल नंबर है, ये सन दिया जाता है कि आप किस सन का देखना चाहते हैं, और ये मंथ ये सितंबर का है इसलिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, और ये जो है पेमेंट बताया जाता है जो कि आपको दिया जाता है। इस तरीके से जैसे जुलाई में यदि आपका सत्र शुरू होता है, अतिथि शिक्षक को जुलाई से रखते हैं या जून से या अगस्त, जब भी आपको रखा जाता है आप यहां से जो है मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप जो है सन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जुलाई से रखा गया है तो पहले आप जुलाई का पेमेंट देख लीजिए, उसके बाद अगस्त का पेमेंट देख लीजिए, फिर सितंबर का, ऐसे ही आप पेमेंट देखते रहिएगा अपने अप्रैल तक का, और उसको टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है आप अपने दिन को टोटल कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने दिन काम किया है। ये बहुत आसान तरीका है, इसके लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठकर अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर देख सकती हैं। स्कूल जाकर तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा, सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या आप भूल गए हैं कि आपने कितने दिन काम किया है तो पहले आप यहाँ से देख लें और वहाँ स्कूल में जाकर आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और उसको वेरीफाई कर लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे भी इसे जान सकें और अपने वर्किंग डे को देख सकें। और जब भी आप इस साइट को ओपन करेंगे, आजकल लोड ज़्यादा होने के कारण ये साइट धीमी चलती है या खुलने में टाइम लेती है, आप रात को इस साइट को खोलें या सुबह साइट को खोलें और ट्राई करते रहें तो ये साइट ओपन हो जाएगी और आप इसे देख सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।